मदरसों को देना होगा संपत्ति का हिसाब। स्वतंत्रता दिवस समारोह और राष्ट्रीय गान की वीडियोग्राफी करने के बाद योगी सरकार कुछ न कुछ फैसले ले ही रही है। अब योगी सरकार जो मदरसों को लेकर एक और लिया फैसला, योगी सरकार ने कहा मदरसों को 15 सितंबर तक मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों, शिक्षक, जमीन आदि का विवरण मांगा है। हालांकि मदरसों सरकार ने इस फैसले पर मदरसों संचालकों से नाराजगी जतानी शुरू कर दी है। दरअसल पिछले दिनों प्रदेश सरकार ने सभी शिक्षण संस्थाओं का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है और मदरसों से कहा गया कि उन्हें भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसके लिए प्रवेश द्वार शुरू कर दिए गए हैं, जिसमें संचालकों को मदरसों की जमीन, भवन, कक्षा, खाली स्थान, पार्क, कंप्यूटर लैब, शिक्षक, छात्रा संख्या, मान्यता समेत कई बिंदुओं की जानकारी अपलोड करनी होगी। 15 सितम्बर का समय देते हुए कहा कि निर्धारित समय पर विवरण पर जानकारी नहीं देने पर मदरसों के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। और इतना ही नहीं, योगी सरकार ने कहा फैसले के मुताबिक विवरण अपलोड करने के बाद प्रदेश के सभी मदरसों को ग्लोबल पोजीशन से भी कनेक्ट कर लिया जाएगा। ये थी SM News रिपोर्ट।